हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो आईबीपीएस ईएफओ का एग्जाम नोटिफिकेशन आया हुआ है। आपको पता है ये एग्जाम दिसंबर एंड में है। सो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर क्वांट सेक्शन फॉर दिस एग्जाम। पेपर में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, तो आज हम इसी वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे करें, 5 out of 5 मार्क्स उसके कैसे लेके आए, उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपके ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई एग्जाम इज द ओनली वेबसाइट जहां पर सारे के सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। तो एएफओ के लिए हम लोग लेके आए हैं 12 फ्री मॉक टेस्ट। प्रीलिम्स के लिए आपको 5 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। प्रीलिम्स के आपको 2018 का और 19 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेंस के भी 5 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो टोटल 12 मॉक टेस्ट हम लोग लेके आए हैं इस बार। तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये सारे मॉक टेस्ट जो है जरूर प्रैक्टिस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस वेबसाइट के बारे में, जो कि सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं एएफओ के बारे में। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न में क्वांट का सेक्शन देखें तो आपको वहां 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 50 मार्क्स का ये सेक्शन आता है, और आपको टाइम मिलता है 40 मिनट। तो 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40 मिनट का टाइम मिलेगा। एक बार हम पिछले साल की कट ऑफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2017, 18, 19 तीनों का कट ऑफ लिखा है। टोटल 125 मार्क्स है। अगर आप देखें कट ऑफ बहुत ही कम जाती है एएफओ के लिए। 2017 में ये 29 थी, 2018 में ये 23 थी टोटल कट ऑफ, और 2019 में प्रीलिम्स की कट ऑफ थी 36.25। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई है और आप वैकेंसी भी देख सकते हैं, 875, 853, 670, ये वैकेंसी कम होती जा रही है। और इस साल जो है 485 वैकेंसी आई है 2020 में। तो अब देखिए वैकेंसी यहाँ पे लगभग 1/3 कम हो गई है। सो कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ सकती है, और कंपटीशन भी बढ़ गया है बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 बहुत सारे लोगों को प्रिपरेशन करने का टाइम मिला है, जिनकी जॉब चली गई उनको भी, और जो कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे वो भी घर से ही पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको भी टाइम मिल गया, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। तो कट ऑफ यहाँ पे बढ़ सकती है बहुत ज्यादा। और अगर हम क्वांट की कट ऑफ देखें तो ये लगभग 8-9 के आसपास रहती है। आप देखें 2017 में 8.75, 18 में 7 और 19 में 8.5। तो यानी कि अगर आप देखें आप मैथ्स में बहुत वीक हैं तब भी आपको सिर्फ वहां पे जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए मार्क्स चाहिए वो 9-10 मार्क्स चाहिए। इस साल अगर कट ऑफ बढ़ जाती है तो हो सकता है ये 10-11 तक पहुंच जाए, इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो इट मीन्स आपको क्वांट अगर क्रैक करना है तो 10-11 नंबर की जरूरत है, जिन लोगों का भी मैथ्स वीक है उनको। वैसे तो आपको कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए, लेकिन मिनिमम जो मार्क्स आपको चाहिए वो 10-12 नंबर ही चाहिए होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बार नजर मारते हैं कि पिछले 3 सालों में क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आए हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये टॉपिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, ये सबसे आसान टॉपिक है और इनके 5-5 क्वेश्चन आते हैं। अगर देखें 2017 में इनके तीनों के 5-5 क्वेश्चन आए थे, 2018 में भी इन तीनों के 5-5 क्वेश्चन आए थे, 19 में सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था और सीरीज भी आया था। तो ये 3 टॉपिक आप अज्यूम कर सकते हैं ये 15 क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। तो ये आपको सबसे पहले करना है जिससे आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी। ये सबसे आसान टॉपिक है, जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में वो ये कर सकता है, ये इतना आसान है। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन 17 में आए थे, 18 में आए थे बट 19 में नहीं आए थे, और डीआई जो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये 15-20 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 50।
17 में 15 क्वेश्चन आए थे, बट 2018 और 19 में 20 20 क्वेश्चन आए थे। तो ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 50, 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो किसके आते हैं, डीआई के आते हैं। आगे बात करते हैं मिसलेनियस के। मिसलेनियस मतलब अरिथमेटिक के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं सारे चैप्टर से मिला के, जैसे कि टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, उन सब के मिक्स क्वेश्चन जो होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन आए थे 2017 में, 18 में 10 और 19 में 15। तो 10-15 क्वेश्चन ये पेपर में आते हैं। और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है 17 और 18 में नहीं आए थे, बट 19 में ये पूछे गए थे। तो ये है ओवरऑल, आप देख सकते हैं अगर आपको 10-15 नंबर लेके आने हैं सिर्फ, तो इन तीन टॉपिक से ला सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करके आप क्वांट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम लेवल की बात करें तो पेपर का जो लेवल रहता है वो मॉडरेट रहता है। कुछ क्वेश्चन आसान रहते हैं और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में यहां नहीं पूछे जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्वांट रीजनिंग जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाती है, क्योंकि एग्री ग्रेजुएट को क्वांट रीजनिंग जनरली मुश्किल लगता है। बट अगर आप कुछ टॉपिक्स अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप इस पेपर को इजिली क्रैक कर सकते हैं। इससे कम कट ऑफ किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की नहीं नहीं जाती है। तो इसलिए अगर आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी बताया उसके समरी पॉइंट्स कि आप क्वांट में ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करिए इन तीन आसान टॉपिक से, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डीआई का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैंने कहा कि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस करना है। कोशिश करिए कि एक दो डीआई रोज करिए। और जो अरिथमेटिक है, मिसलेनियस है, ये गेम चेंजर है, यहाँ आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इनको कर लेंगे तो आपका स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा, और फिर कट ऑफ चाहे कितनी भी ज्यादा चली जाए आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जैसा कहा कि आज मैं आपको 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 मिनट में कैसे सॉल्व करें विद ट्रिक्स वो बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास AFO का कॉम्प्रीहेंसिव ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। दीज आर बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर AFO एग्जाम। कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स में प्री, मेंस, इंटरव्यू सबकी प्रिपरेशन होती है, प्री की भी, मेंस की भी और इंटरव्यू की। आप अगर लेना चाहें तो हमारा प्री का और मेंस का कोर्स अलग अलग भी ले सकते हैं। अगर आपका मेंस सॉलिड है, सिर्फ प्री की करना चाहते हैं, वो भी कोर्स मिल जाएगा। और अगर आपको प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंस का लेना चाहते हैं, तो वो भी मिल जाएगा। तो प्री का लेना चाहे, मेंस का लेना चाहे, या कॉम्प्रिहेंसिव पूरा कोर्स लेना चाहे, दैट इज अप टू यू। तो एक बार इसका डेमो जरूर चेक करें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कोर्सेज में आपको बहुत सारे वीडियोज लेक्चर मिलते हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं प्री के भी, मेंस के भी। इसके अलावा आपको लाइव जो है क्लासेस मिलते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बेस्ट कोर्सेज हैं, अभी इसका डेमो चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा आज का टॉपिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस टाइप की होती है, ax² + bx + c। आपको पेपर में ऐसी दो इक्वेशन मिलेंगी, एक एक्स में मिलेगी और एक वाई में मिलेगी। आपको उन दोनों को सॉल्व करना है। एक्स वाली से आपको एक्स के रूट्स निकालने हैं, वाई वाली से आपको वाई के रूट्स निकालने होते हैं, और फिर उनमें ना कंपेयर करना होता है कि एक्स लार्जर है या वाई लार्जर है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है। तो उस तरह से आपको वहां पे रिलेशन निकालने होते हैं। तो सबसे पहले कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं जो कि है इनके साइंस ऑफ रूट से। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके वहां 5 क्वेश्चन में से मिनिमम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। विदाउट यूजिंग द पेन आप उसका आंसर सिर्फ 1 या 2 सेकेंड में क्वेश्चन को देखते ही लगा सकते हैं। तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन वहां पे ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, देखिए और आंसर लगाइए। तो पहली ट्रिक ये है कि अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आती है, ax² + bx + cx, मतलब ये a, b
बी और सी ये तीनों पॉजिटिव हैं। अगर आप देखें ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, या मैं यूं कहूं कि ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है, तो उस केस में जो एक्स के दोनों रूट्स आते हैं, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पावर टू है, जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है तो इसके दो आंसर आते हैं। तो जब भी दो पावर है तो दो आंसर है, दोनों रूट्स जो एक्स के आएंगे वो यहाँ नेगेटिव आएंगे, बस आपको इतना याद रखना है। पहला रूल क्या है, जब ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो तो एक्स के जो दोनों आंसर्स आएंगे, जो रूट्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। कहने का मतलब, मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन मिल गई 2x² + 5x + 4 = + 2 = 0, मान लीजिए ये इक्वेशन है, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरह की होती है ax² + bx + c, और a b और c ये तीनों आप देखें पॉजिटिव है। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है अभी के लिए कि जो x के आंसर आएंगे वो दोनों नेगेटिव आएंगे। दो आंसर आएंगे इसके, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि इसमें जो x के दोनों आंसर आएंगे वो नेगेटिव आएंगे जब ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो। दूसरा रूल, अगर मिडल वाला ये नेगेटिव हो, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं, ये बीच वाला नेगेटिव हो, उस केस में एक्स के जो दोनों आंसर आएंगे, जो रूट्स आएंगे वो उल्टा पॉजिटिव होंगे। इन केस अगर यहां पे माइनस लगा हो, मान लो इक्वेशन आपके पास ये है 2x² - 5x + 2 = 0, इस केस के अंदर जो एक्स के दोनों आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो तो आपके आंसर्स क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, और अगर ये मिडल वाला नेगेटिव हो तो आपके आंसर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब होगा क्या स्टूडेंट, अगर आपने ये दोनों ट्रिक याद कर ली और पेपर में आपको दो इक्वेशन मिलेगी और वो दोनों इसी टाइप की आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, तो देखिए जब ये वाली इक्वेशन पहले वाली दी होगी तो आपको समझ में आता है कि ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है तो इसके आंसर्स नेगेटिव आएंगे, और जब ये बी नेगेटिव है, एक्स के साथ वाला नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं, उस केस में आपके जो आंसर्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। यानी कि पहली इक्वेशन में आंसर आपके नेगेटिव आ रहे हैं, दूसरी इक्वेशन में दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, और उन दोनों को आपने कंपेयर करना है, तो आप हमेशा यही कहेंगे ना कि जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव से हमेशा छोटा होता है, नेगेटिव इज ऑलवेज लेसर देन पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर देखते ही सॉल्व हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो जो मैंने ट्रिक बताई उससे आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से बता सकते हैं। आपको ना दो इक्वेशन दी गई हैं, एक एक्स में और एक वाई में, और आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आंसर बताना है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, या एक्स इज ग्रेटर देन वाई, या एक्स इज लेस देन वाई, बड़ा है या छोटा है या इक्वल है ये बताना है। अगर सिर्फ इक्वल है तो ये लगाना है, और कभी कभी एक्स और वाई में रिलेशन नहीं भी निकल सकता, कभी कभी ये भी ऑप्शन आता है। तो ये ऑप्शन कब आता है, जब एक्स वाई से ग्रेटर भी आ रहा हो और एक्स वाई से लेसर भी आ रहा हो, जब ये दोनों एक साथ आ रहे हो, तो क्योंकि दोनों साइन आ गए, एक्स वाई से बड़ा भी आ रहा है छोटा भी आ रहा है, तो हम क्या बताएं, कुछ भी नहीं बता सकते। फिर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कब आता है, दोनों में रिलेशन कब नहीं हो सकता, जब बड़ा भी आ रहा हो छोटा भी आ रहा हो। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने में 1-2 सेकंड लगेंगे, आप सीधा कह सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। कैसे, मैंने अभी आपको बताया जो दो ट्रिक्स बताई थी उसके अंदर, अगर मिडल वाला नेगेटिव हो बाकी दोनों पॉजिटिव हो, तो मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसे केस में आपके जो दोनों आंसर आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। और ये दूसरी इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है, तो इसमें जो दोनों आंसर आते हैं वो नेगेटिव आते हैं, और आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो पॉजिटिव तो नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई। अगर एक पूरा पॉजिटिव है और एक पूरा नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस रूल से आया था कि अगर ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है तो एक्स के दोनों आंसर नेगेटिव हैं,
अगर मिडल वाला नेगेटिव है तो x के दोनों आंसर पॉजिटिव हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप शायद डायरेक्टली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है तो इसके दोनों आंसर नेगेटिव आएंगे, और इसमें मिडल वाला सिर्फ नेगेटिव है तो इसके दोनों आंसर पॉजिटिव आएंगे। इट मींस नेगेटिव तो पॉजिटिव से हमेशा लेस ही होना है। अब x जो है वो y से लेस है क्योंकि x नेगेटिव है और y दोनों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा ही मिलेगा। तो नो डाउट ये आंसर है, ये आप डायरेक्टली बता सकते हैं एक दो सेकंड में जो मैंने आपको ट्रिक बताई। तो अभी तक हमने देखा इन दो ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन, अब एक ट्रिक और देखते हैं। थर्ड ट्रिक है कि अगर आपके पास इक्वेशन में जो लास्ट वाली टर्म है सी वो नेगेटिव हो, तो या तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी या ये इक्वेशन बनेगी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, इन दोनों में पीछे सी नेगेटिव है। इस केस में आपको याद रखना है कि आपका जो एक्स आएगा उसके जो दो आंसर आएंगे वो एक पॉजिटिव होगा और एक एक नेगेटिव होगा। तो व्हेनेवर सी इज नेगेटिव, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाली ये नेगेटिव हो, तो उसमें एक आंसर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब अगर मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसमें एक इक्वेशन x में थी और एक y में थी, और दोनों आपको इसी टाइप की दी जाती है कि दोनों में माइनस सी आ रहा है इक्वेशन के अंदर, मतलब सी नेगेटिव है, तो आपको मैंने अभी बताया कि ऐसे केस में जो इनके रूट्स आते हैं वो एक प्लस का आता है और एक माइनस का आता है, यानी कि दोनों में प्लस माइनस है, एक्स के आंसर भी प्लस माइनस में है और वाई के आंसर भी प्लस माइनस में है। अब हमें ना इनको कंपेयर करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे एक्स के जो दो आंसर आ रहे हैं प्लस माइनस में, मान लो एक प्लस टू है और एक माइनस थ्री आया, और वाई में जो आया वो आया प्लस फोर और एक आया माइनस फाइव, क्योंकि इसके दोनों आंसर प्लस माइनस में, तो मैंने कोई नंबर अज्यूम कर लिया। अब हमें ना इनको कंपेयर करना है। तो देखिए यहां एक्स के दोनों आंसर को वाई के दोनों आंसर से कंपेयर करना होता है, बिकॉज हमें उसमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए ऐसे केस में आपको ये चीज तो पक्का मिलेगी, आपको इसको वैसे एक्स को इस वाई से भी कंपेयर करना है, एक्स को इस वाई से भी कंपेयर करना है। तो एक बात तो पक्की है कि ये जो प्लस वाला होगा ये इस माइनस वाले से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहां एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ऐसे ही हमें करना तो चारों को कंपेयर है, पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें डायगनली, तो ये x नेगेटिव है और ये y पॉजिटिव है, तो अब नेगेटिव y से पॉजिटिव वाले से छोटा हो गया, तो x y से यहां छोटा भी मिल गया। तो x अगर आप इनका देखें तो x y से बड़ा है, और अगर आप इसको देखें तो x y से छोटा है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जब ऐसा हो जाए कि x ग्रेटर देन y भी आ जाए और x लेस देन y भी आ जाए, तो हम उन दोनों में रिलेशन नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब जब दोनों इक्वेशन में c नेगेटिव है तो उन दोनों के आंसर प्लस माइनस आएंगे, और जब आप उनको ऐसे और ऐसे कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई से बड़ा भी मिलेगा और एक्स वाई से छोटा भी मिलेगा, तो रिलेशन नहीं हो सकता। यानी कि इस केस में सीधा शॉर्टकट है कि जब c नेगेटिव हो दोनों इक्वेशन में तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर नहीं बताया जा सकता। तो एक क्वेश्चन ये भी आपको पेपर में मिल सकता है, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि एक इक्वेशन x में है एक इक्वेशन y में है, रिलेशन बताइए क्या आएगा। ध्यान से देखिए दोनों में जो c है वो नेगेटिव है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि दोनों में रिलेशनशिप x और y में नहीं बताया जा सकता, ये आपका आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब c नेगेटिव होता है तो उसके दोनों आंसर में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ऐसे y में भी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और जब आप उनको कंपेयर करेंगे तो x y से बड़ा भी दिख रहा होगा और x y से छोटा भी दिख रहा होगा, और जब ये आ जाए तो रिलेशन है ही नहीं क्योंकि बड़ा भी आ गया छोटा भी आ गया। देखिए ग्रेटर के साथ इक्वल आ जाए तो ये चल सकता है, लेस के साथ इक्वल आ जाए तो ये चल सकता है,
ओनली ग्रेटर, ओनली लेस भी चल सकता है, ओनली इक्वल भी चल सकता है, लेकिन ग्रेटर के साथ लेस भी आ जाए तो नहीं चल सकता, तो सी एन डी लगाना है, और जब सी नेगेटिव आए तो सीधा सी एन डी लगा देना है, कुछ नहीं करना। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं इस सी को देखते हुए। तो स्टूडेंट्स ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा कमेंट में बताइए। यहां पर सी नेगेटिव है तो मैं क्या आंसर लगाऊं, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 3 ट्रिक्स याद रखनी थी कि जब पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है तो आंसर्स नेगेटिव आते हैं, जब बीच वाला बी नेगेटिव है बट बाकी दोनों पॉजिटिव है, सिर्फ बी नेगेटिव है तो दोनों आंसर पॉजिटिव आते हैं, और जब सी नेगेटिव है तो एक आंसर पॉजिटिव और एक आंसर नेगेटिव। अगर पेपर में ये दोनों आ जाएं तो आपको क्लियरली पता है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव से लेस होगा, और अगर पेपर में दोनों की दोनों इक्वेशन जो हैं ऐसी आ जाए जिसमें सी नेगेटिव है तो उसका आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर भी डायरेक्टली बता सकते हैं? एक तो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और एक है ये, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस 16 को वहां ले जाएंगे तो आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 और वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई माइनस 38 बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखें दोनों में जो कांस्टेंट नंबर है सी वो नेगेटिव है, ठीक है, पर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों में सी नेगेटिव आ रहा है तो आप आंसर सीधा लगाइए सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसको सॉल्व करके भी दो आंसर आएंगे, इसको सॉल्व करके भी दो आंसर आएंगे और वो प्लस माइनस आएंगे, और ऐसे केस में एक्स वाई से बड़ा भी आ रहा है और एक्स वाई से छोटा भी आ रहा है तो सी एन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसका आंसर भी हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो 36 को अगर हम इधर ले आए तो ये माइनस 36 हो गया, ऐसे ही वाई स्क्वायर 49 को इधर ले आए तो माइनस 49, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहां 2 पावर है और दोनों में सी नेगेटिव है तो आंसर सीधा लगा दीजिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस तरह के सवाल आप डायरेक्टली पेपर में कर सकते हैं 2 सेकंड के अंदर देखते ही, जब सी नेगेटिव आ जाए तो सी एन डी, दोनों में सी नेगेटिव आ जाए तो। अब बात करते हैं अगर इसके अलावा जो बाकी टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर हमें इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना होता है और फिर कंपैरिजन करना होता है। जो मैंने ट्रिक्स बताई उससे आपके एक दो क्वेश्चन पेपर में आएंगे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होंगे 3-4 क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, उसका भी मेरे पास ट्रिक है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं तो कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कभी कभी हमें यहां से एक्स के जो आंसर्स हैं वो निकालने पड़ते हैं, यानी कि जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई उसके अलावा अगर कोई टाइप आता है पेपर में तो वहां हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन के पेयर्स फाइंड करने हैं। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि सीधा आप आंसर्स कैसे निकालें, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड वो नहीं करना है। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वो हम पहले कैसे निकालते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो हमें जो छोटी क्लासेस में सिखाया गया था वो क्या क्या था कि ये जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करके आप पेयर बनाएं। पेयर कैसे बनाएं कि टोटल जो है ये सम यही आए, जो मिडल टर्म है सम आपका 5 आए और प्रोडक्ट आए फर्स्ट इंटू लास्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 2 = 4। तो ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं जिसमें आपका सम 5 आए और प्रोडक्ट 4 आए, 2 × 2 = 4, तो वो नंबर क्या है 1 और 4। 1 और 4 का अगर आप सम करेंगे तो 5 आ रहा है और प्रोडक्ट करेंगे तो 4 आ रहा है। तो यानी कि इस मिडल टर्म को हम ब्रेक करके ऐसे लिखते थे 2x स्क्वायर प्लस 5x को लिख दिया 1x प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर आप देखें तो x कॉमन है
तो ये हो गया 2x+1 और इनमें 2 कॉमन है तो ये हो गया 2x+1। तो इन दोनों में आप ये कॉमन ले सकते हैं 2x+1 और बाकी जो रह गया है दैट इज x+2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल है तो या तो फर्स्ट वाला जीरो के इक्वल होगा या फिर सेकंड वाला जीरो के इक्वल होगा। तो हमारे आंसर्स आ गए क्या कि 2x की वैल्यू -1 आ गई फर्स्ट से और सेकंड से x की वैल्यू आ गई -2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई -1/2 और यहां से x की वैल्यू आ गई -2। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ रही है -0.5 और -2। ये होता था नॉर्मल तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हो तो क्या शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले जो आपने पेयर्स फाइंड करे थे वही वाले पेयर्स फाइंड आउट करिए जिसमें आपका सम ऑफ पेयर्स जो है ये मिडल वाला बी हो और जो प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स है दोनों पेयर्स का जो प्रोडक्ट है वो ए इंटू सी आए। ऐसे दो पेयर आपको चुनने हैं, ये तो आपने अभी किया भी था। तो वो करिए पहले कि पेयर फाइंड कर लीजिए जिसका सम बी आए और प्रोडक्ट ए सी आए। इसके बाद आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं सिर्फ दो स्टेप और करके। नेक्स्ट स्टेप है कि जो आपने पेयर्स फाइंड आउट करे उनके साइंस चेंज कर दो। मतलब जो भी आपने जो दो पेयर फाइंड आउट करे हैं सपोज वो पी और क्यू हैं, अगर ये पॉजिटिव हैं तो इनके साइन चेंज कर दो, अगर ये नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव कर दो, मतलब उनके साइन चेंज कर दो। और उसके बाद एक स्टेप और है, डिवाइड कर दो ए से, डिवाइड बाय ए। ए क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, इससे डिवाइड कर दो। मतलब आपको करना क्या है, पहला काम पेयर तो आपको फाइंड आउट करने ही होते हैं, उसके बाद आप उनके साइन चेंज कर दो और उसके बाद डिवाइड बाय ए कर दो, दैट्स इट, वो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो अब मान लीजिए वही इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है 2x² + 5x + 4 जो अभी हमने नॉर्मल मेथड से करी थी, सॉरी यहां 2 था। तो पेयर क्या थे कि सम आपका 5 बने और प्रोडक्ट 2 2 4 बने। तो पेयर आपने सोच लिए थे माइंड में 1 और 4 1 और 4, टोटल 5 आ रहा है और प्रोडक्ट 4 आ रहा है, इनकी गुणा करें तो 4 आ रहा है। अब इस पेयर का आपको करना क्या है, ये तो पेयर मिल गए, अब इसके बाद दो काम करने हैं, साइन चेंज और डिवाइड बाय ए। साइन चेंज कर दो, ये दोनों प्लस है तो दोनों को माइनस कर दो और उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है ए है उससे डिवाइड कर दो। बस ये एक स्टेप में आपका आंसर आ गया, मतलब आपका आंसर आ गया वही -0.5 और -2। ये आपके आंसर आ गए। देखा आपने कितना जल्दी आंसर आ गया, जो आप कर रहे थे नॉर्मल जो हमें सिखाया गया था छोटी क्लासेस में वो मेथड कितना लंबा है, हम सीधा आंसर कैसे निकालें। पेयर फाइंड आउट करने के बाद सिर्फ साइन चेंज कर दो और डिवाइड कर दो ए से, काम खत्म, आंसर आ गए। एक इक्वेशन और लेते हैं, मान लीजिए ये इक्वेशन है 2x² + 7x + 5। करना क्या है, पहला काम पेयर फाइंड आउट करने हैं कि सम 7 आए और प्रोडक्ट 10 आए। तो पेयर हमने फाइंड आउट कर लिए 2 और 5, 7 आपका सम आ गया है और प्रोडक्ट आ गया है 10। सम आपका 7 और प्रोडक्ट 10। इसके बाद आपने क्या करना है, इन साइंस, इन जो पेयर है इसके साइंस चेंज कर देने हैं। तो मैंने ये दोनों पॉजिटिव थे तो इनको दोनों को नेगेटिव कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके आंसर आ गए क्या, एक तो आपका आंसर आ गया -1 डिवाइड करके और दूसरा आंसर आ गया -2.5। फटाफट से इस इक्वेशन के आंसर आ गए। पहला काम पेयर फाइंड आउट करिए, उसके बाद साइन चेंज करिए और उसके बाद डिवाइड बाय ए कर दीजिए, काम खत्म, ये आपका आंसर है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेपर में आपको मैंने बताया था कि ये दो इक्वेशन आएंगी और उनको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए जो मैंने आपको शुरू में ट्रिक्स बताई थी, अगर आपको एक पूरी इक्वेशन पॉजिटिव मिलती है और एक इक्वेशन में मिडल वाला नेगेटिव मिलता है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो तो दोनों आंसर नेगेटिव आते हैं और मिडल वाला बी नेगेटिव हो तो दोनों आंसर पॉजिटिव आते हैं, तब नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से लेस होता है, उसका आंसर डायरेक्टली पता चल जाता है। एक ट्रिक ये बताई थी
और दूसरी ट्रिक ये बताई थी, जब सी नेगेटिव आए दोनों इक्वेशन में तो आंसर हमेशा आता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इन दोनों के अलावा आपको कोई और केस मिलता है तो वहां आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहां हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ना तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप का ट्रिक लग सकता है ना सेकेंड टाइप का ट्रिक लग सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके पेयर हमें बनाने पड़ेंगे, इसके भी और इसके भी, और एक्स और वाई को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप मेरी ट्रिक से, जो अभी मैंने आपको रूट्स निकालने सिखाए हैं, वहां से आप निकाल सकते हैं। तो पहले इसके पेयर बनाते हैं कि सम तो आपके पास यहाँ पे 12y और प्रोडक्ट जो आए वो क्या आए, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 1 इंटू -28, तो -28 प्रोडक्ट आए। ऐसे दो नंबर जिनका टोटल 12y और प्रोडक्ट आए -28, तो सोचिए आपको मिल जाएंगे 14 एंड -2, टोटल कर लीजिए। तो पहला काम है पेयर बनाइए, टोटल आपका 12 आना चाहिए और इनका प्रोडक्ट माइनस में आना चाहिए 28। उसके बाद हमें इनके साइन चेंज करने होते हैं, तो हो गया -14 और +2। और उसके बाद स्टेप था कि एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशियंट लगा हुआ है यानी कि a, उससे डिवाइड करना है। और यहाँ पे a जो है वो 1 है, तो इसको जब आप a से डिवाइड करेंगे यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएंगे, यानी कि x के आंसर आ रहे हैं -14 और +2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब हमारा सम जो है वो 9 हो गया है और प्रोडक्ट जो है वो 20 हो गया है, तो इसके पेयर बन गए हैं 4 एंड 5, साइन चेंज कर देते हैं सेकेंड स्टेप, और फिर y स्क्वायर के कोफिशियंट से डिवाइड करते हैं, तो 1 से डिवाइड करके हमारे आंसर आ गए -4 और -5। अब ये x है और ये y है, अब हमें इनको कंपेयर करना है, और कंपेयर आपको चारों को करना है आपस में। तो पहले हम इस x को दोनों y से कंपेयर करते हैं। तो अगर आप -14 को -4 से कंपेयर करेंगे तो x इज लेस देन y, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर हो उतना वो उससे छोटा होता है। ऐसे ही इस x को इस y से, सेकेंड y से कंपेयर करेंगे तो अभी भी x y से लेस दिख रहा है, तो x यहां भी y से लेस है और x यहां भी y से लेस है। अब हम देखते हैं इस x को दोनों y से कंपेयर करते हैं, तो +2 को अगर आप कंपेयर करेंगे, +2 को कंपेयर करेंगे -4 से, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ा हो जाता है, यानी कि अब x जो है ग्रेटर देन y आ गया। तो मैंने यहां पर देखा कि x y से लेस भी आ रहा है और एक जगह पे x y से ग्रेटर भी आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि जब लेस और ग्रेटर दोनों एक साथ आ जाएं, x y से छोटा भी आ रहा है और x y से बड़ा भी आ रहा है, तो ऐसे वाले केस में आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशनशिप उनमें नहीं बताया जा सकता। तो इसका आंसर फिफ्थ ऑप्शन आ जाएगा, जब x y से छोटा भी आए कंपेयर करके और x y से बड़ा भी आ जाए, तो आपने ये आंसर लगाना है, रिलेशनशिप नहीं बताया जा सकता। तो हमें लास्ट वाले को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें बड़ा भी मिल गया और छोटा भी मिल गया, तो नो रिलेशन। तो इस तरह से हमें कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो यहां भी हमें शायद क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखिए सम आना चाहिए 7 और प्रोडक्ट आना चाहिए 10, तो पेयर बन गए 2 एंड 5, साइन चेंज कर देते हैं -2 एंड -5। अगला स्टेप है एक्स स्क्वायर के साथ जो आगे लगा हुआ है 1, उससे डिवाइड कर दो, तो x के आंसर आ गए -2 और -5। अब अगला देखते हैं, यहां प्रोडक्ट आ रहा है y में -36 और सम आना चाहिए 9। बड़ी इजीली हो जाएगा, पेयर सोच लीजिए 12 और -3, जिनका सम आना चाहिए 9, देखिए 9 आ रहा है और प्रोडक्ट आना चाहिए -36। अब साइन चेंज कर दीजिए, अब इस प्लस वाले को माइनस करेंगे और माइनस वाले को प्लस करेंगे। साइन चेंज करने का मतलब है प्लस को माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, और y स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है उससे डिवाइड कर दो, तो ये आपके y के आंसर आ गए, पहला -6 और दूसरा +1.5। अब कंपेयर करिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो पहले x को दोनों y से कंपेयर करते हैं, तो -2 -6 से ग्रेटर दिख रहा है, -2 जो है वो -6 से ग्रेटर है। और अब इसको देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा होता है, तो -2 +1/2 से छोटा है, यानी कि x यहां y से ग्रेटर आ रहा था
और यहां पे एक्स वाई से लेस आ रहा है, तो जब ये दोनों साइन आ जाए तो आगे वाले को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्रेटर भी आ गया लेस भी आ गया, तो फिर से हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का रिलेशनशिप नहीं बताया जा सकता, पर ये हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा, क्योंकि यहां वो डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगेगी जो मैंने शुरू में बताई थी। तो यहां हम कैसे रूट्स निकालेंगे इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है कि पहले पेयर फाइंड करिए, फिर साइन चेंज करिए और फिर वाई स्क्वायर के कॉफिशियंट से डिवाइड करिए। एक्स वाई से बड़ा भी आ गया छोटा भी आ गया तो नो रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक ये दिया हुआ है, और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 36, एक ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पावर 2 है, कई बच्चे समझते हैं कि ये दोनों चीज सेम होती है और आंसर सेम आएगा दोनों का, नहीं। देखिए यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पावर 2 हो, और जब पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन, 2 वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 वाली में जो आपके आंसर आएंगे वो भी 2 आएंगे और 1 वाली में आपका आंसर भी 1 आएगा, तो ये दोनों सेम नहीं है, यानी कि पहले वाले के दो आंसर आएंगे, एक्स के दो आंसर आएंगे। किसका स्क्वायर 36 होता है? तो +6 का भी होता है और -6 का भी होता है, दो आंसर आएंगे। किसका स्क्वायर 36 है? +6 भी और -6 भी, तो ये तो x के आंसर हैं। अब y जो है वो है अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 का आंसर होता है ओनली +6, ध्यान रखिएगा अंडर रूट 36 का आंसर होता है ओनली +6। अंडर रूट 36 का आंसर गलती से भी -6 मत बोल देना, ये गलत हो जाएगा। अंडर रूट 36 इज नॉट इक्वल टू -6, अंडर रूट 36, अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहां से भी देख सकते हैं पावर 1 है, पाई की पावर 1 है तो एक ही आंसर आएगा। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है, तो चलिए देखते हैं x को y से कंपेयर करते हैं, तो x y के इक्वल आ रहा है, अगर आप यहां पे देखें दोनों +6 है, लेकिन अगर आप इसको देखें y के साथ तो नेगेटिव पॉजिटिव से लेस होता है, तो यहां पे x y के इक्वल भी आ रहा है और लेस भी आ रहा है, तो इट इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन एज वेल एज इक्वल टू y, तो ये ऑप्शन आपको यहां मिल जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है ये आपका आंसर आ गया। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमें दोनों इक्वेशंस नॉर्मली सॉल्व करनी होती हैं, जैसे हमें इक्वेशन मिलती है एक्स और वाई में, ये भी एक्स और वाई में है और ये भी एक्स और वाई में, तो इसे सॉल्व करने का तरीका हम बचपन से जानते आए हैं क्या, कि इन दोनों इक्वेशन में किसी एक को हम सेम कर लेंगे और फिर हम एक्स और वाई को किसी एक को एलिमिनेट करके x का आंसर निकाल लेंगे, फिर पुट करके y का आंसर निकाल लेंगे और फिर उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों में किसी एक को सेम कर लेता हूं, जैसे यहां y 4y है और यहां 3y है, तो हम पहले वाले को 3 से इंटू कर लेते हैं और दूसरे वाले को 4 से इंटू कर लेते हैं, तो इसको 3 से इंटू करते हैं ये भी 12y बन जाएगा और इसको 4 से कर लेते हैं, तो पहली इक्वेशन को 3 से इंटू कर लीजिए, ये बन गया 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 96, और दूसरा इसको 4 से इंटू कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 20x प्लस 12y इज इक्वल टू 140। अब हम माइनस कर देते हैं पहले में से दूसरी, तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो गया, 9x माइनस 20x हो गया माइनस 11x, और 96 में से इसको माइनस कर दीजिए माइनस 44, माइनस कैंसिल हो गया, 11 से 44 4 पे कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये हो गया 3x, एक्स की वैल्यू 4 है तो 3x की वैल्यू क्या हो गई 12 प्लस 4y बराबर है 32, तो यहां से 4y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20, इट मीन्स y की वैल्यू आ गई 5, तो x की वैल्यू आ रही है 4 और y की वैल्यू आ रही है 5, और 4 5 से लेस होता है, यानी कि x y से लेस आ रहा है, तो आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन कि x इज लेस देन y। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो इक्वेशन मिल जाए नॉर्मली, जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे करिए, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन,
कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बताई जिसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, और अगर आपको इक्वेशन सॉल्व भी करनी है तो उसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया कि पहले पेयर फाइंड आउट करिए, फिर साइन चेंज करिए और फिर ए से डिवाइड करिए, आपके आंसर आ जाएंगे। कुछ में पेन भी नहीं चलाना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, उनका भी ध्यान रखिए। आई होप ये सेशन आपको आज का अच्छा लगा होगा, प्लीज कमेंट करके बताइए। और एक क्वेश्चन का मैंने आंसर आपसे पूछा भी था, एक मैं और पूछता हूं, उसका आंसर भी बताइए क्या आएगा। कि अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है x²-7x+10=0 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है y²+9y+14=0, ये दो इक्वेशन है, तो आप बताइए क्या इसका आंसर किसी ट्रिक से बिना सॉल्व किए निकल सकता है? अगर निकल सकता है तो क्या आंसर आएगा वो बताइए। स्टूडेंट ज्वाइन द बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज एंड सारे मॉक टेस्ट आई एग्जाम पे फ्री हैं। अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए इस वेबसाइट के बारे में ताकि उनकी भी हेल्प हो। आगे भी हम मैथ्स के बहुत सारे सेशन लाने वाले हैं, तो बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।